नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, आज हमारा सेमिनार था वो हैदराबाद में था, और हैदराबाद का सेमिनार का पहला पार्ट स्टेप वन कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पर वेन्यू छोटा था तो दो पार्ट में करना पड़ा। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। आइए हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने सेमिनार अटेंड किया, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मोहम्मद अली, माय नेम इज इन सिटी किनवट। आपको कैसा लगा सेमिनार? बढ़िया लगा। सबसे खास बात क्या लगी आपको सेमिनार की? जो कि आप समझाए वो। ओके, ग्रेट, थैंक यू। मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरे को अच्छा लगा इधर जी। सबसे अच्छी बात क्या लगी सेमिनार की? समझाया सर जी, अच्छा समझाया, पूरा समझ आ गया पूरा। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज विशाल ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। Seems like a genuine consultancy. Great, thank you. मेरा नाम मोहम्मद है, मुजाहिद है। मैं आपके सेमिनार में आया आप इंक्वायरी के लिए। जैसे कि आप बताए कि कहाँ कहाँ फंसते हैं लोग, कुछ लोग वो आप जानकारी दिए हमको, वो अच्छा लगा हमको। समझ में आया कि कहाँ फंसेगा और कहाँ पर नहीं फंसेगा, कौन फेक है कौन ओरिजिनल है। Great, great, thank you. मेरा नाम मोहम्मद अयूब अली है। मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए मालूम करने के लिए आया। सारा मैं जो भी समझे समझ में आया, फ्रॉड क्या है, सही क्या है, कैसा तरीका रहता, उसके बारे में जानकारी मिली। शुक्रिया सर। ग्रेट। सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा आपको? सब वही फ्रॉड क्या होता है, आप जो समझे, आपका विजन भी समझे, हमारे को गोल भी क्या है, उसके बारे में हम आपको अच्छा लगा। आप कामयाब होना बोल के भी हम चाहते। थैंक यू। मेरा नाम मनोज पांडा है। मैं हैदराबाद सेमिनार में आया था, और आपका वो कैसा फ्लोर हो रहा है, कैसा बचना क्या है वो बताए, वो अच्छा लगा मेरे पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम हैदराबाद। हाउ टू फाइंड फेक एजेंट्स एंड फेक ऑफर लेटर्स एंड हाउ टू जेन्युइन इंक्वायरीज फाइंड इट। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज खादर बादशाह। मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। जो साहब हमारे लिए इतना दूर आ गए, वो एम्प्लॉयमेंट वीसा और स्टडी वीसा के लिए कैसा करना, कितना कितना तरीका है, और फ्रॉड एजेंट से कैसा बचना चाहिए, जो भी हम ठीक से बता दिए, ये आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रुपेश जायसवाल है, और मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से आज यहाँ पे हैदराबाद में सेमिनार अटेंड करने आया हूँ। सबसे प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा, क्योंकि कोई भी मैन पावर ऑफिस जो है फ्री में गाइडलाइन नहीं देती है, और ये ट्रिपल व्यूज वाले ने हमको फ्री में खुद का पैसा खर्चा करके यहाँ पे हॉल बुक करके हमको बुलाया है और फ्री में गाइडलाइन दिया है। और प्लस पॉइंट ये है कि हमको जो वीज़ा के बारे में बताया है, और जैसे फ्रॉड होने के चांसेस किधर किधर में होते हैं, ये हमको एक बताया है। थैंक यू। Hi sir, my name is Chopper Mahesh from Telangana. I am learning is very more. Actually, I am before coming, I am thinking now he is coming, but he's what I is saying I don't know. But when I coming here, I learn more, and also your vision also very good, sir. Actually, your vision, I am thinking your vision is वेरी नाइस सर। थैंक यू। थैंक यू। हाई, मेरा नाम अनुराग है, मैं हैदराबाद से हूँ। इधर आके मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ा, कैसा किधर फ्रॉड एजेंट्स, तो बहुत इंफॉर्मेटिव है सेशन। थैंक यू। हाई, आई एम श्रीलता, आई एम मदर ऑफ अनुराग। लाइक द वे ही डिस्क्राइब्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, लाइक मी मैनी पेरेंट्स आर very much confused where they should send their children. So I'm very thankful to Mr. Vimalesh for what he described. Thank you. Thank you. Sabse acha point kya laga aapko? The best point. The best point is the way you described each and every point to everyone with examples. That is very good. Thank you very much. Mera naam Ramchandra Rao hai. मैं हैदराबाद से हूँ। इधर ट्रिपल बी सेमिनार हो रहा था, इसलिए मैं
सेमिनार अटेंड करने आया हूँ जी। और गौतम सर गुजरात से इधर आए हैं सेमिनार के अवेयरनेस के लिए कि कौन सा जिनन है, कौन सा ऑफर लेटर आपको जिनन कैसे पता करना है, पीडीओटी क्या होता है। तो पीडीओटी के बारे में उन्होंने बोला, वो मुझसे पहले मुझे नहीं मानता। और जिनन प्रोसेस हम लोग खुद से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑफर जिनन है, कंपनी जिनन है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या लगा सर? मेरा स्ट्रांग पॉइंट वही लगा सर, जिनन प्रोसेस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें, कैसे हम लोग चेक करें, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, थैंक यू। हेलो नमस्ते, ना पेर ब्रह्मचारी, नहीं सेमिनार अटेंड करने कुछ ना, टूरिस्ट होटल काचीगुड़ा हैदराबाद అయితే ఇక్కడ నేను రావడానికి కారణం ఏంటంటే మేము ఎంప్లాయ్మెంట్ వీసా కోసం ట్రై చేసామన్నమాట, కానీ ఒక సింగపూర్ కోల్కతా నుంచి ఒక కన్సల్టెన్సీ మమ్మల్ని ఫేక్ ఫ్రాడ్ చేశారు, సింగపూర్ కేఎస్టీ కంపెనీ పేరు పైన ఫ్రాడ్ చేశారు. మేము దానిలో 1,00,000 లాస్ అయినాం అనమాట. వాళ్ళు మనకు అన్ని జెన్యున్ గా అని చెప్పి అక్కడి నుంచి సింగపూర్ నెంబర్ నుంచి కాల్ చేసి మనకు ఆఫర్ లెటర్స్ పంపించి అవన్నీ ఫేక్ వెబ్సైట్ కూడా క్రియేట్ చేసి అంత ఫ్రాడ్ చేశారు మాకు. మేము 3 ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురము, 1.5 lakh వరకు లాస్ అయ్యాము, ఈచ్ 1.5 lakh వరకు లాస్ అయ్యాము మేము. కానీ ఇక్కడ మేము వచ్చాక బీబీబి ఓవర్సీస్ సార్ వచ్చిన తర్వాత మాకు ఇక్కడ ఫేక్ ఎట్లా మనం కనుక్కోవాలి, జెన్యున్ ఎట్లా కనుక్కోవాలని ఆల్ పాయింట్స్ మాకు క్లియర్గా చెప్పారు. ఇప్పుడు మేము రైట్ ప్రాసెస్లో మేము వెళ్దామని మేము అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ సార్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ గుజరాత్ సే ఆయే అభీ తక్ హైదరాబాద్ మే కోయి ఐసే సెమినార్ ఓపెన్ కియా నహీ. బాయ్ గుజరాత్ సే ఆయే వో థ్యాంక్ ఆప్కో. तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को फेक और जेन्यून के लिए क्या डिफरेंस है वो मालूम हो गया, और पीडीओटी का मेन प्रोजेक्ट के लिए भाई इधर आए थे वो एक्सप्लेन किए, अभी तो कोई एक्सप्लेन किया नहीं अभी तक. वो हम लोग को जेन्यून होता ऑलरेडी, हम लोग सिंगापुर एजेंसी थ्रू 1.5 lakhs लॉस हो गए थे. अभी भाई आने के बाद पूरा स्टॉप किया, भाई मेरे को पैसा सेव किया था. थैंक यू. थैंक यू. और जैसे इसमें आपको पता चल गया अभी, इसके अलावा इसमें पूरी प्रोसेस में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगा? फेक, हाउ टू फेक मालूम हो गया. हाउ टू आइडेंटिफाई, इजी मालूम हो गया भाई. ग्रेट ग्रेट. ओवरसीज की तरफ से यहाँ सेमिनार हुआ था हैदराबाद में, तो मैं अटेंड हुआ. यहाँ पर एक चीज़ तो है हाउ टू आइडेंटिफाई, ये कैसा फेक और जेन्यून में फ़र्क क्या है, रिकॉल्स के बारे में भी सार समझाए. जैसे हर बात पैसों के वास्ते, इन्फॉर्मेशन के वास्ते, जैसे टिकट ओके के वास्ते, वो सब फ्रॉड कैसा करते क्या नहीं, और इसके अंदर हाउ टू आइडेंटिफाई क्लैरिफिकेशन सही तरीके से दिए सर. टूर भी ओवरसीज की तरफ से गुजरात से यहाँ पर आए, और उनका ये है कि कहना इसे फ्रॉड से कैसा बचना चाहिए क्या नहीं. और इसमें बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग की बात यह है कि सर की पीओटी के बारे में आज तक नहीं बताया गया, फर्स्ट टाइम हम सर के मुंह से सुने. जी जी जी. कैसा लगा आपको यहाँ पर? आपके सेमिनार में जो कुछ भी अटेंड होने वाले हैं यहाँ पर सब अच्छे तरीके से फील कर रहे हैं. अभी सर के पास भी काम बहुत है, मगर इन सर टाइम लेके आए क्यों, बहुत अवेयरनेस के खातिर. सर के लिए भी बेहतर है और पब्लिक के लिए भी बेहतर है ये चीज़, खासकर हैदराबाद में होना बहुत बड़ी बात है. सर का एम ये है कि अवेयरनेस फैलाया जाए. जी थैंक यू. वेलकम. दोस्तों आप लोगों ने सबका एक्सपीरियंस सुना, सब लोगों के फेस का स्माइल भी देख सकते हैं, काफ़ी हैप्पी हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और अभी जो आने वाले सिटीज में लोग आने वाले हैं वो पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखें, क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिस पे सेमिनार हुआ था, लेकिन अभी कम से कम 2-3 week का टाइम मिलेगा. तो जो लोग भी आने वाले सेमिनार्स में लाभ लेना चाहते हैं वो सेमिनार को जरूर अटेंड करें और रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखें. वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए. हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे. धन्यवाद.